हेलो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको एक डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी, इसलिए आप पहले नाप जान लीजिए। तो 3-3 इंच के मेरे चार पीस हैं, और ये देखिए 2.5 इंच के मेरे चार पीस हैं, और 2.5 इंच के मेरे आठ पीस हैं, और ये 10 इंच की मैंने एक लंबी पट्टी ली है दो, और जो मैंने साइड में जो बड़ी पट्टी रखी है वो हम एक लंबी लंबी पट्टियाँ कट कर लेंगे, वो बाद में हम इसको जॉइंट करेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने दो चार पीस रख लिए, और चार पीस के ऊपर दूसरे चार पीस रख लिए, तो ये मेरे डबल शेड के पीस बनेंगे, जो आठ बनेंगे। तो ये देखिए, मैंने बीच में से कट कर दिया है। कट करने के बाद ये मेरे बाद में इनकी शेप 2.5-2.5 इंच की रह जाएगी। तो ये देखिए, मैंने कोने वगैरह हम कट कर लेंगे, तो मैं आपको ये इसको सेट करके दिखा देती हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनेगा फ्रेंड्स। ये डिज़ाइन मैंने अपनी वॉशिंग मशीन के ऊपर कवर के तौर पे मैंने ये डिज़ाइन बनाया। आप चाहे तो मेज़ कवर के लिए भी बना सकते हैं, मेज़ कवर, फ्रिज कवर, किसी के ऊपर भी आप ये डिज़ाइन बना के काफ़ी अच्छा खूबसूरत डिज़ाइन है फ्रेंड्स, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए, मैंने जो 2.5-2.5 इंच के पीस बनाए थे वो इस तरीके से ये मैंने ऐसे बिछा लिए हैं। तो ये जो मेरा जो 1.5-1.5 इंच का पीस है, ये मैं इसके ऊपर रखूँगी, और इसमें से बीच में से एक लाइन लगा दूँगी, और लाइन लगाने के बाद मैं उसी लाइन पर ही इसको सिलूँगी। सिलने के बाद मैं साइड में से इसको थोड़ा सा कट कर दूँगी। ये देखिए, मैंने कट करने वाला निशान भी लगा लिया है कि मैं मुझे कहाँ से सिलना है और कहाँ से कट करना है। तो ये पीस भी मेरा तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम बारी बारी, ये देखिए मैंने सिल चुकी हूँ, और अब हम इसको कट कर लेंगे। फिर इसको भी हम डिज़ाइन के तौर पे, ये जितने भी पीस हमें तैयार चाहिए थे वो मेरे तैयार हो गए हैं। अब हम इस पर डिज़ाइन सेट करेंगे। सारे कट लग गए हैं, डिज़ाइन सेट करेंगे, और डिज़ाइन ये मैंने तैयार कर लिया है इस तरीके से। तो देखिए, है ना खूबसूरत। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको बारी बारी लाइन बाइज लाइन सिलेंगे, और जब हम इनको सिलेंगे, जब हम दूसरी लाइन सिलेंगे, तो उन पीसों के बीच में हम एक एक पिन लगा लेंगे, ताकि हमारा जो जॉइंट है वो जॉइंट से जॉइंट बिल्कुल मिला हो, यानी कि हमारा डिज़ाइन ऊपर नीचे ना हो, इसलिए उस पर पिन लगा के सिलना। तो ये देखिए, इस तरीके से ये सिलेगा। सिलने के बाद इसमें साइड साइड में मैं पट्टी जॉइंट करूँगी। फ़िलहाल मैंने ये आपको सिर्फ एक ही पीस का नाप बताया है, और मैं इन पीसों को 6 पीस तैयार करूँगी, पर मैंने एक पीस ये आपको बनाना सिखा दिया है। तो मैं, ये हो गया है, और पट्टी भी मैं जॉइंट कर दूँगी। डिज़ाइन बनाने के लिए मैं आपको एक डेमो के तौर पे मैं चारों तरफ एक एक पट्टी लगा के दिखाऊँगी, ताकि आप इसको एक, अगर आप कुशन कवर बनाना चाहते हो ना, तो कुशन कवर के लिए भी ये डिज़ाइन बेस्ट है कि आप इस तरीके से डिज़ाइन बनाइए, और ऊपर से आप दूसरे 2-3 तरह की पट्टी जॉइंट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये पट्टी लगा ली है चारों तरफ, आप इसी डिज़ाइन की जो भी आप कलर चूज़ करो, उसी कलर के हिसाब से आप एक और पट्टी ऐड कर सकते हैं, ताकि हमारा ये फ्रंट जो कवर रहे वो थोड़ा बड़ा हो सके। डिज़ाइन यही रहेगा, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज आ जाएगा कि थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और कलर पट्टियाँ कलर वाइज काफ़ी खूबसूरत लगेंगी। तो ये मेरा डिज़ाइन जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी डेमो के तौर पे भी, ये मैंने साइड में पट्टी सिर्फ डेमो के तौर पे आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, डिज़ाइन इस तरीके से बनेगा, तो खूबसूरत है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, इस तरीके से अब हम इन्हीं डिज़ाइनों को मैं बनाना चाहती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पीस वगैरह रख लिए हैं, ये मेरे 6 पीस हैं, और 6 पीस हैं, और ये जो मैंने पट्टियाँ साइड में कट कर करके रखी हैं, उसका नाप मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ये आप 2.5 इंच की चौड़ाई और 9 इंच की लंबाई पट्टी ले लीजिएगा, और ये जो बड़ी बड़ी पट्टियाँ हैं, ये आप बड़ी ही पट्टी काटिएगा, ताकि इस तरीके से हम इसको रखेंगे, ताकि हमारी छोटी बड़ी ना रहे। और हम पहले ये बीच में जो छोटी छोटी पट्टियाँ हैं ना, पहले हम इनको सिलते चलेंगे। तो ये जो सिल जाएगी, तो डिज़ाइन ऑटोमेटिक सिल जाएगा, और फिर बाद में हम इसके बीच की पट्टी सिलेंगे। और इस डिज़ाइन के बाद हम फ्रेंड्स, हम इस डिज़ाइन में अपना पुराना कपड़ा भी यूज करेंगे। जो भी कपड़ा है जो आप यूज नहीं कर पा रहे हो, पर उसको यूज करना चाहते हो,
ख़राब नहीं हुआ है तो आप उसको यूज कीजिए, क्योंकि मैं डिज़ाइन बनाना भी सिखाती हूँ, साथ में पुराना कपड़ा यूज करना भी बताती हूँ कि पुराना कपड़ा भी हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरा ऊपर का पीस तैयार हो गया है और इस तरीके से भी मैंने ये पीस सिल लिया है। सिलने के बाद क्या करेंगे फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया आपको कि पुराना कपड़ा यूज कर सकते हैं, तो हम इसके नीचे पुराना कपड़ा रखेंगे। तो पुराना कपड़ा मैंने ले लिया है और इसके बाद ये देखिए अब इसके ऊपर हम ये रखेंगे। ये मैंने उल्टा करके रखा है ताकि हम इसको जब हम पलटें तो ये हमारा सीधे फ्रंट पे हो जाए। तो ये इस तरीके से हमने चारों तरफ से सिल लिया, लेकिन एक तरफ से मैंने छोड़ दिया है ताकि मैं इसको पलट सकूँ। तो ये देखिए मैं इसको पलट रही हूँ और बीच बीच में जो ये ग्रीन पट्टियाँ हैं ना, मैंने सिर्फ इसी पर ही सिलाई की है और किसी भी पीस पर सिलाई नहीं करी। आप चाहे तो बीच वाले फूलों पर भी सिलाई कर सकते हो, पर मैंने इस कपड़े के नीचे वाला कपड़ा जो जॉइंट हो जाए, इसलिए मैंने इस पर सिर्फ ग्रीन ग्रीन कपड़े पर ही मैंने पट्टियों पर सिलाई की है। और उसके बाद जो मेरा ये जो ओपन वाला हिस्सा है, इसको भी मैं हल्का हल्का फोल्ड करके सिल लूँगी। तो ये देखिए ये मेरा ओपन हिस्सा, इसको हल्का हल्का मैंने आधा आधा इंच की वो लेके पट्टी और मैंने इसको जोड़ दिया। तो ये देखिए बन गया फ्रेंड, बहुत खूबसूरत। तो प्लीज़ फ्रेंड्स ट्राई कीजिए और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स।